आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ में कल रैली करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में यूपी सरकार की सबसे बड़ी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इसके बाद वो रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मिर्जापुर में लोगों से संवाद करेंगे। लिंचिंग का मामला और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस का नया विषय बनता जा रहा है। लिंचिंग मामले के 8 दोषियों को माला पहनाने के कारण खेद जताने वाले केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मसले पर खुली बहस की चुनौती दी है। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो कश्मीर में कई और सलाउद्दीन पैदा होंगे, साथ ही राज्य के हालात 90 के दशक जैसे हो जाएंगे। यूपी के दो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के समय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2011, 13 और 16 में स्नातक शिक्षकों और प्रवक्ता पदों पर ऐसे विषयों पर शिक्षकों की भर्तियां की गई जो विषय पाठ्यक्रम में ही शामिल नहीं थे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जाँच में इस बात का खुलासा हुआ है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ सीएम आवास पर मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट का मूड बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर साजिश के आरोपों के तहत चार्जशीट दायर करेगी। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गुजरात यात्रा टाल दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भावनगर और अमरेली में सभाएं करने वाले थे। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला डीएनडी ब्रिज फिलहाल टोल टैक्स से फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मिल रही राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने कंपनी को कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दाखिल की है, टोल कंपनी उसकी अर्जी पर जवाब दाखिल करे। भोजपुरी गीतों की नामचीन गायिका कल्पना पटवारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पटना में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में कल्पना ने बीजेपी ज्वाइन की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने संविधान का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ रही है उससे नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में हासिल कर पाएगी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। भारत को IAAF की ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। भारत की हिमा दास ने फिनलैंड के टेम्पेरे में जारी IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने घरेलू बाजार में सब्सिडाइज LPG सिलेंडर के दाम पुराने ही रखे हैं, जिसकी वजह से LPG सब्सिडी में पिछले दो माह के दौरान 60% उछाल दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में CRPF पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। यहां के अजबल चौक पर आतंकियों के करीब 10 मिनट तक CRPF के जवानों पर गोलियां बरसाई और उसके बाद भाग खड़े हुए। गोलीबारी में घायल एक अफसर इलाज के दौरान शहीद हो गया जबकि एक जवान अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए RBI ने एक बड़ा फैसला किया है। RBI के मुताबिक 15 सितंबर से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर इसे बनवाने वाले का नाम भी शामिल होगा। अब तक सिर्फ जिसके खाते में पैसे जमा होते हैं उसका नाम दिए जाने की आवश्यकता है। RBI को उम्मीद है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। राणा प्रताप सिंह की जानकारी के अनुसार लखनऊ की रहने वाली गुंजन की शादी बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के चचिया गांव के विमल सिंह से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही विमल गुंजन को छोड़कर भाग गया। जब पीड़ित गुंजन अपने पति का पता लगाते हुए बलिया के गांव चचिया में विमल के घर पहुंची तब वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी, जिसके बाद गुंजन ने थाने में शिकायत की। करीब 6 माह तक परेशान होने के बाद जब आज वो थाने गई तो CO रचड़ा की मौजूदगी में गुंजन और उसके दोस्त के साथ बदतमीजी की गई। हमारा नाम है शिवानी। ये आप कहाँ हैं आज? हम आज आए हैं बलिया नगरा बलिया थाना। तो आज आप लोगों के साथ कैसा मामला हुआ है, क्या प्रकरण? सर हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हम लोगों को सर वहाँ 10 बजे यहाँ पर बुलाए थे, ठीक है। हम लोग रात भर स्टेशन पर बड़े रहे, वहाँ से जब 10 बजे हम लोगों को टाइम दिया तो 10 बजे जब हम यहाँ पे आए तो हम लोगों को इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद वो 3 बजे लड़के को हाजिर किए सर, सारे परिवार को बाहर निकाल के CO सर और लड़का और लड़की क्या बात की है हम लोगों को नहीं मालूम है। लड़की और लड़का आपस में 10 मिनट अकेले में बात करना चाहते थे, ना कि उनको समय नहीं दिया गया सर। और आपस में लड़के पे खुद दबाव बनाते रहे कि तुम चाहते क्या हो, अपनी मर्जी से जो बात बुलवाना चाहते थे लड़के ने वही बात बोला। उसके बाद सर ये जाना समझा ये था कि CO ने दोनों पक्ष को एक साथ छोड़ दिए और एक पक्ष जब साथ में छोड़ दिया तो दोनों एक दूसरे पर हमला हो गया और सर उनके परिवार मिलकर लड़की वालों को बहुत मारा। ये झगड़ा का जिम्मेदार कौन है? CO सर। कौन CO है ये? नगरा बलिया रसड़ा।
सीओ रसना जी सर, सीओ रसना। और झगड़ा होने के बाद भी कुछ बोल रहे थे आप लोगों को? जी झगड़ा होने के बाद कह रहे थे कि आप लोग बाहर निकलिए, नहीं तो फिर हम यहाँ लाठी करवाएंगे, नहीं तो उठा के आप लोगों को अंदर कर देंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। झगड़ा हो रहा था तो आपकी सिस्टर को कौन पकड़ के ला रहा था? जी वहाँ पे इनके पास महिला कांस्टेबल नहीं थी, ना कि एक जेंट्स पुलिस को वहाँ पर भेजकर हमारी बहन को दोनों हाथ से घसीटते हुए अंदर लेके सर आ गए और अंदर बंद कर दिए। दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर का बॉलीवुड डेब्यू चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी पहली फिल्म धड़क 20 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म रिलीज से पहले एक इंटरव्यू में जाह्नवी ने कहा कि वो बड़े पर्दे पर मधुबाला, मीना कुमारी और वहीदा रहमान जैसा जादू लाना चाहती हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।